सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज का ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए रखा गया है और इस कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पहले से लेकर अभी तक महिलाओं की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। महिलाओं ने हर कार्य में, हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत सिद्ध की है और महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और हर वर्ष महिला दिवस का एक विषय भी रखा जा रहा है, थीम भी रखा जा रहा है। और आज महिला दिवस का थीम रखा गया है जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लैंगिक समानता। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं हमारे मेहमान। इनका स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अंजलि चौहान, जो कि राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला में, और इसके साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे श्रीमती विजय गुप्ता लांबा का भी, और ये एक समाज सेविका हैं जो कि लोकल कंप्लेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट सोलन की चेयरपर्सन हैं। तो अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि बातें इनसे हम और भी करेंगे, लेकिन आप खास तौर से जानते हैं कि हर माह के जो अंतिम रविवार है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात करते हैं और एक खास संदेश भी देते हैं तमाम जनता को। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, अपने विचार किस प्रकार प्रकट किए, आइए देखते हैं और सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से कुछ दिन बाद ही 8 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। महिलाओं के साहस, कौशल और प्रतिभा से जुड़े कितने ही उदाहरण हम मन की बात में लगातार साझा करते रहे हैं। आज चाहे स्किल इंडिया हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या छोटे बड़े उद्योग हो, महिलाओं ने हर जगह मोर्चा संभाला हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, महिलाएं पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। आज हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्यक्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। पिछले महीने गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन्स को भी बेटियां उड़ा रही है। देश ने सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के एडमिशन पर रोक हटाई और पूरे देश में बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही हैं। इसी तरह अपने स्टार्टअप जगत को देखें, पिछले सालों में देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू हुए। इनमें से करीब आधे स्टार्टअप में महिलाएँ निदेशक की भूमिका में। पिछले कुछ समय में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाने जैसे निर्णय लिए गए हैं। बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है। इससे हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आप एक और बड़ा बदलाव भी होते देख रहे होंगे, ये बदलाव है हमारे सामाजिक अभियानों की सफलता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता को ही लीजिए, आज देश में लिंग अनुपात सुधरा है, स्कूल जाने वाली बेटियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियां बीच में स्कूल न छोड़ दें। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। जब से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया है, देश में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। ये इतने सारे बदलाव इतने कम समय में कैसे हो रहे हैं? ये परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश में परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व अब खुद महिलाएं कर रही हैं। अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत आज के इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दो मेहमान जो कि महिला दिवस पर आज जो हमारा विशेष थीम रखा गया है जो है जेंडर इक्वलिटी, उस पर अपने विचार प्रकट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लांबा जी आपसे जानना चाहेंगे, और जैसे कि आप एक समाज सेविका हैं और हर वर्ग के लोगों से आप मिलती हैं, तो अलग अलग सोच रहती है सबकी, तो जेंडर इक्वलिटी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के विचार लोगों के देखने को मिलते हैं आपको? पहले तो वुमेन इंटरनेशनल डे पे सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई।
जो मेरा लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है वो निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है। जी, और वहाँ पे मैं देखती हूँ जिस तरह का पहले लड़कियों के साथ या बेटियों के साथ व्यवहार किया जाता था उसमें अब काफ़ी चेंज आ चुका है। और जो बेटियाँ हैं बेटियों के प्रति लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है, वो उनको आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं, उनके लिए एफर्ट करते हैं कि हम इनको ऊंचाइयों तक लेके जाएं, तो चेंज तो डेफिनेटली आया ही है, समाज में चेंज आया है। जी, आपको लगता है कि काफ़ी बदलाव हुआ है? चेंज आया। और ये जो हम महिला दिवस मनाते हैं सशक्त करने के लिए महिलाओं को, इसका उद्देश्य काफ़ी हद तक सफल हो रहा है। जी जी। अब डॉक्टर अंजलि आपसे जानना चाहेंगे कि हेल्थ सेक्टर में आप हैं और हर तरह के लोगों से मिलना आपका भी होता है, तो अगर देखा जाए आपकी हेल्थ सेक्टर में जब माँ बाप आते हैं आपके पास या लड़कियाँ आती हैं आपके पास या डिलीवरी होती है, तो जो लोगों की सोच थी एक कन्या के पैदा होने पर जो एक अफसोस उनके चेहरे पर छलक आता था, क्या अभी भी वैसी ही सोच है या काफ़ी बदलाव आया है, क्या देखती हैं आप? जैसे मैम ने कहा कि समाज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, तो हम हेल्थ सेक्टर में भी इसका अनुभव करते हैं। पहले महिलाओं के लिए सुविधाएं थी और बहुत सारी सुविधाएं थी, अगर वे बीमार पड़ती तो उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, परंतु वहाँ पर हमने देखा, क्योंकि मुझे 16 साल हो गए हैं अभी सर्विस में, पहले वो इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाती थी। बहुत सारी महिलाएं, स्पेशली जो मैंने पाया ब्रेस्ट कैंसर जिनको होता था, वो बड़ी लेट स्टेजेस में आती थी, तो मेरा अनुभव यही था कि वो शुरू में इसलिए नहीं आ पाती थी क्योंकि वो डिसीजन मेकर्स नहीं थी, परंतु अब क्योंकि समाज में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है कि वो जितनी अधिक सुविधाएं महिला को दे सकें ताकि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके रिसोर्सेज का, तो वो भी समाज में है, तो इस वजह से काफ़ी सशक्त हो गई हैं महिलाएं। और जैसे कि मैम ने कहा कि बेटियां भी अब आगे बढ़ रही हैं, तो अब इस तरह की चीज़ें देखने में नहीं आती हैं कि लड़की होने पर कोई अफसोस होता है, स्पेशली अर्बन एरियाज में तो बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी कपल्स हैं जिनकी सिर्फ एक बेटियां हैं और वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं उनकी बेटियां उनका नाम रोशन करेंगी। जी, आपने एक चीज़ कही कि अब महिलाएं काफ़ी जागरूक हो चुकी है, तो क्या चीज़ है जो जागरूकता फैलाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि एजुकेशन कहीं ना कहीं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा कर रही है? डेफिनेटली, एजुकेशन किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि आपकी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है तो वहाँ पर ज़्यादा जागरूकता है, वहाँ ज़्यादा अवेयरनेस है अपनी हेल्थ को लेकर, अपने करियर्स को लेकर, और वहाँ पर आप देखेंगे जेंडर बायसेस बहुत कम देखे जाते हैं ऐसे समाज में। जी। और यही चीज़ स्वास्थ्य को भी इफ़ेक्ट करती है। जी। तो अगर आप हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखेंगे तो उसमें जितने भी स्वास्थ्य में इंटरवेंशंस हैं वो सभी इसी ओर जाती हैं कि हम किस तरह से महिलाओं को इक्विटेबल रिसोर्सेज प्रदान कर सकें इवन इन द हेल्थ सेक्टर। जी, हेल्थ की बात होगी और भी, लेकिन गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे, विजय गुप्ता जी, कि समाज में आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सोच परिवर्तित हुई है और कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके साथ साथ सरकार का भी एक अहम रोल रहा है इस परिवर्तन को लाने में, तो सरकार किस तरह की स्कीम्स चला रही है? बहुत से लोग अब जानते हैं लेकिन कई होते हैं जो अनभिज्ञ हैं, नाम सुना है ये नहीं पता है कि स्कीम्स के अंदर क्या कुछ होता है, तो कौन कौन सी स्कीम्स चली हैं और क्या कुछ किया जा रहा है उनके अंदर महिलाओं के लिए? हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीम्स गर्ल चाइल्ड के लिए चलाई गई हैं। जी, जिसमें सबसे पहले ये हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है। इसके अलावा आपका जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का स्कीम है जिसमें बच्ची की फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आप एकल नारी, जैसे कोई सिंगल लेडी है उसके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। जी। विधवा पेंशन का प्रावधान किया गया है। जो किशोर युवतियां हैं 18 साल तक की एज की, उनके लिए जो हमारे एससी एसटी वर्ग की लड़कियां हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जितना भी हमारा ये गवर्नमेंट स्कूल्स में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कॉलेज लेवल पे भी, अभी कॉलेज लेवल पे भी शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी स्कीम्स प्रोवाइड की हैं। तो हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, और इन चीज़ों का मैं देखती हूँ
स्कीम्स का जो असर है वो काफ़ी हद तक निम्न तबके में भी दिखना शुरू हुआ है। जी, कई बार ये होता है कि हम स्कीम्स चला देते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट अच्छे से की जा रही है या नहीं की जा रही है, उसकी रिपोर्ट किस तरह की आ रही है, उस पर नज़र कौन रखता है, चेक रखा जाता है या नहीं रखा जाता है? जी, चेक रखा जाता है। हमारे अभी डिपार्टमेंट में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, काफ़ी हद तक नया स्टाफ रिक्रूट हुआ है जो स्पेशली इन स्कीम्स के लिए ही रखा गया है। जो इन स्कीम्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कोई पात्र व्यक्ति है वो छूट रहा है, उसको कैसे हमने उन स्कीम्स के अंतर्गत लेके आना है, तो वो सारा जो हमारा अभी आउटसोर्स पे स्टाफ रखा है वो सारा इन स्कीम्स पे नज़र बनाए रखा हुआ है। जी, कहते हैं महिलाएं समाज की धुरी होती है डॉक्टर अंजलि, और अगर एक महिला को शिक्षित कर देते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बहुत पुरानी कहावत है, हर बार हम अक्सर कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें सुनते हैं। लेकिन महिलाएं शिक्षित तो हैं, उनकी हेल्थ जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अपना ख्याल रखेंगी तभी अपने पूरे परिवार का ख्याल रख सकती हैं। तो महिलाओं की हेल्थ के लिए भी बहुत सारी स्कीम सरकार ने चलाई होंगी, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी, महिलाओं के लिए देखिए, हम किसी भी एज ग्रुप को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। जी, यदि आपका बचपन स्वस्थ बीतता है तो तभी आपके एडल्टहुड में आप स्वस्थ रहते हैं। तो जब भी हेल्थ स्कीम्स चलाई जाती हैं तो उनमें एक लाइफ साइकिल अप्रोच देखने को मिलती जी। है। तो अगर हम इससे चलें कि जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसके बाद एक छोटे बच्चे को जिन जिन चीज़ों की बीमारियों से खतरा होता है उसके अगेंस्ट एक टीकाकरण स्कीम है जिसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को मुफ्त टीकाकरण दिया जाता है जानलेवा बीमारियों के अगेंस्ट। जी, और अगर जैसे नई बीमारियां हैं, जैसे अभी कोविड वैक्सीनेशन था तो उसमें भी सभी को मुफ्त टीकाकरण दिया गया था क्योंकि दिस वॉज असेंशियल, इट वॉज लाइफ थ्रेटनिंग। जी, उसके बाद जो भी इलाज होता है सरकारी स्कूल में, जो भी बच्चे पढ़ रही है, इवन बच्चे मतलब लड़का लड़की कोई भी सरकारी स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उनका मुफ्त इलाज होता है विभिन्न बीमारियों के अगेंस्ट। और इसमें एक एनीमिया जैसी छोटी सी बीमारी से लेकर हार्ट के ऑपरेशन तक जिसमें कि लाखों का खर्चा आता है माता पिता का, तो वो भी मुफ्त किया जाता है जो कि सरकार द्वारा किया जाता है। जी, इसके बाद स्पेशल प्रोग्राम चलता है जिसमें कि इसको एनीमिया मुक्त भारत के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं और फिर जो प्री स्कूल नर्सरी वगैरह में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए आयरन की गोलियां या सिरप जी एज के अनुसार उन्हें दी जाती है जो कि मुफ्त होती है और स्कूलों में दी जाती है। तो ये एनीमिया मुक्त भारत हो गया। फिर हम हमारा एक स्पेशल फोकस रहता है एडोलेसेंट हेल्थ पर, क्योंकि हमारा जो किशोर वर्ग होता है वो एक ऐसा वर्ग है जो कि बिल्कुल हेल्दी होता है, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, परंतु इस उम्र में 10 से 19 साल में इतनी ज़्यादा उनको रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है। तो उनके लिए भी हमने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं जिसमें कि एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है जो कि विशेषकर लड़कियों के लिए चलाई जाती है। इसके अंतर्गत हम स्कूल में सुरक्षा के नाम से सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं उसको मुफ्त वितरित करते हैं सभी लड़कियों को। हर महीने उन्हें पैकेट्स दिए जाते हैं कि मात्र 1 रुपए में 6 नैपकिन्स दिए जाते हैं। इसके साथ हम इसी स्कीम के अंतर्गत हमारी आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और कई बारी डॉक्टर्स स्कूल्स में जाकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बच्चियों को सिखाते हैं, क्योंकि यह जरूर हमें पता है कि यदि बच्चों को शुरू से कोई अच्छी आदत लग जाती है तो वो एडल्टहुड तक वो कंटिन्यू रहती है। तो हम बिकॉज ऑफ दिस अनहाइजीनिक जो आप मेंस्ट्रुअल मासिक धर्म के समय जो लड़कियां उनको क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती और इसको एक स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है, हमारे कई ज़िलों में इंटीरियर ऐसे हैं जहां पर कि लड़कियों को अभी भी घर के बाहर रखा जाता है जब उनका मासिक धर्म आता है, तो बहुत सारी चैलेंजेस छोटी बच्ची फेस करती है, इसमें सुधार करना भी जरूरी है। तो ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट जागरूकता के माध्यम से इसका ध्यान रखता है अंडर द स्कीम। इसके अलावा वीकली आयरन फोलिक एसिड स्कीम है जिसमें कि एक नीली गोली हफ्ते में एक बार सभी बच्चों को प्रेयर के टाइम पर खिलाई जाती है। और ये स्कीम जो है ये हिमाचल में विशेष महत्व रखती है क्योंकि हमारी सरकार ने जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये स्कीम सरकारी स्कूलों के लिए है, परंतु हमारे हिमाचल में ये सभी स्कूलों के लिए है, प्राइवेट स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल जी, तो सभी बच्चे इसमें कवर्ड। जी डॉक्टर अंजलि, अब विजय लांबा जी आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार से एक्सपेक्टेशंस जो आम जनता है उनकी हमेशा रहती है
कि गवर्नमेंट ये भी करे ये भी करे। आप एक समाज सेविका हैं, अगर अपने स्तर पर देखा जाए हम समाज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आप एक महिला हैं, क्या महिलाओं के लिए आपने कभी कुछ किया, कुछ ऐसे अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों से? मेरा ये मानना है कि हम ही सरकार हैं जी, क्योंकि कोई सरकार आके कोई मंत्री या हमारे जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आके वहाँ पे कुछ करने वाले नहीं हैं, वो अकेले इंसान हैं, वो तो हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं जी। तो मैं अपने आप को ही सरकार मानते हुए जो हमारी स्कीम्स हैं उनके लिए कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से समाज में कुछ मैं अच्छा कर पाऊँ जी। तो इसी कड़ी में मैंने अभी रिसेंटली एक मेंटली अनस्टेबल लेडी और जो ड्रग एडिक्ट भी थी जी, उस लेडी के लिए 2.5 साल से मैं काम कर रही थी। तो उस लेडी का वहाँ पे मतलब सोलन शहर में ही वो लेडी रहती थी, उसका वहाँ पे कोई भी सहारा नहीं था और वो एक टॉयलेट में रह रही थी। इससे पहले वो सड़कों पे रहती थी जी, तो तकरीबन 20-22 वर्षों से वो ऐसे ही घूम सोलन की सड़कों पे घूमती रहती थी, रात जहाँ पे भी रात पड़ती थी वहाँ पे वो सो जाती थी। तो उस लेडी के लिए जब मैंने उस लेडी की स्टोरी सुनी कि उसका उसको बचपन में प्रताड़ित किया गया है जी, तो मेरा बड़ा मन पसीजा और मैंने उसके लिए काम करना शुरू किया। मुझे इस सारे काम के लिए 2.5 वर्ष लग गए जी। तो सबसे पहले तो मैंने उसको लेडी को मेंटल हेल्थ एक्ट एग्जीक्यूशन में ला के 2017 को एग्जीक्यूट किया और उसके तहत उस लेडी को रेस्क्यू करवाया। रेस्क्यू करवाने के पश्चात यहाँ हमारा जो स्टेट मेंटल हेल्थ सेंटर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बालूगंज में है जी, वहाँ पे उस लेडी को पहुँचाया। 6 महीने वहाँ पे एज ए इंडोर पेशेंट उसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो लेडी वापस दोबारा मैंने सोलन की सड़कों पे देखी तो मैं उससे बातचीत करना शुरू हुई। मुझे ये लगता था कि ये दोबारा उसी हालात में वापस चली जाएगी, क्योंकि जो उसके हालात थे उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, कहीं कोई उसको रहने के लिए जगह देने वाला नहीं था। हमने कोशिश भी की कहीं उसको किराए के मकान पे ले दें लेकिन वो कहीं किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जो उसका पास रिकॉर्ड था वो ख़राब था जी। तो 2.5 साल मतलब तो फिर मैंने उससे बातचीत करनी शुरू की जी, उसका एक ट्रस्ट बिल्ड किया। जब मैंने उसे बताया कि मैंने ही उसको रेस्क्यू करवाया है और उसके वेलफेयर के लिए सोच रही हूँ, तो उसने मेरे से अपनी सारी बात शेयर करना शुरू की जी। मैंने उसका फॉलोअप रखा, वो कहती थी कि मैं हर 2 महीने के बाद दवाई लेने के लिए यहाँ आती हूँ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जी। उसने मुझे यहाँ से जो वो नंबर लेके गई थी वो डॉक्टर का नंबर भी दिया जी। मैं उनसे कॉल करके पूछती थी तो उसको एक जब उसका मेरे ऊपर उस लेडी का ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो मैंने मतलब मुझे लगा कि अब मेरे को इस लेडी को रिहैबिलिटेट करना है जी। तो उसका जो स्कूल का रिकॉर्ड था, क्योंकि उसके पास जन्म प्रमाण पत्र का कोई भी कहीं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, तो मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि वो कहाँ मतलब पढ़ी लिखी है, कुछ किया है उसने, तो उसने मुझे बताया कि वो वहीं एक लोकल स्कूल में पढ़ी है। तो जो पास्ट रिकॉर्ड था मैंने वो निकलवाया, स्कूल से उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो लिया, उसके आधार पे उसका आधार कार्ड सबसे पहले बनवाया, लेकिन उसके लिए मुझे एक एड्रेस की पर्टिकुलर एड्रेस की ज़रूरत थी जी, जो मैंने मतलब अपने घर का केयर ऑफ करके उसका आधार कार्ड बनवाया। अभी भी सारे डॉक्यूमेंट्स उसके मेरे ही मतलब मेरे ही एड्रेस पे हैं जो अभी शिफ्ट करने हैं। फिर आधार कार्ड बनवाने के बाद उसके लिए हिमाचली सर्टिफिकेट, लो इनकम सर्टिफिकेट और ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए जी। वो करने के बाद फिर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारे सोलन में चंबा घाट में मकान बने हैं इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट स्कीम के तहत जी, तो वहाँ पे उसको मैम अभी घर दिलवाया है जी। घर दिलवाया है और उसके लिए जो 1.5 लाख था वो मैंने सारा डोनेशन से इकट्ठा किया लोगों से अपील कर। बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस जान के। अब डॉक्टर अंजलि से जानना चाहेंगे कि इतने अच्छे पद पर आप आई हैं, पहुंची हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा आपको, तो आपको लगता है कि आपके साथ या फिर आपके नीचे जितने भी वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, क्या किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन आप देखते हैं मेल या फीमेल में?
देखिए एक्चुअली मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनी हूँ. डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप अपना प्रोफेशन भी कर रहे हैं, साथ में एक समाज सेवा भी कर रहे हैं जी. और बहुत खुशी होती है, मैंने ओपीडी में प्रैक्टिस किया है करीब 10 साल जी. तो बहुत खुशी होती है जब आपके पेशेंट्स ठीक होते हैं और विशेष करके वे महिलाएँ जो कि मतलब काफ़ी, मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होती हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल पेशेंट्स, तो उनको ठीक करने में एक बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है. उसके बाद पिछले 5-6 सालों से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई हूँ, तो चैलेंजेस तो रहते ही हैं जी. और बीइंग अ लेडी डेफिनेटली चैलेंजेस थोड़े से हल्के से ज़्यादा होते हैं, परंतु मैं सभी को जो हमारी ओर देखती हैं महिलाएं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने काम में अच्छे हैं, आपकी नॉलेज अच्छी है और आप में कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर एंड आप प्राउड फील करते हैं कि आप एक महिला हैं, तो कोई भी अड़चन या ऑब्स्टिकल नहीं है जो आपको जीवन में रोक सकता है जी. चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो जी. हम देखते हैं कि विभिन्न संस्थान हैं और उसमें महिलाएं और जो पुरुष हैं, अब ख़ास तौर से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल ही आ चुकी है, अब कम नहीं है जी. और अगर महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम है तो एक कमेटी बनाई जाती है, तो आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल हो रही है जो सरकार की पहल है कि महिलाएं उसमें कंप्लेंट कर सकती हैं? देखिए आई थिंक आप सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की बात कर रहे हैं. ये एक बहुत ही, मैं कहती हूँ एज अ वर्किंग लेडी, एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था सरकार का महिलाओं को सशक्त करने का एक वर्किंग प्लेस में. पर आज ये ज़रूरत है कि इसकी जो मॉनिटरिंग कमेटी है एट द स्टेट लेवल, वो ज़रूर इंश्योर करे कि हर ऑफिस में आपकी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनी है, और यदि उसमें कोई कंप्लेंट्स आई हैं तो उसको एड्रेस किया गया है कि नहीं किया गया, रैंडमली चेक होना चाहिए जी. क्योंकि धरातल पर कई ऑफिसेज में कुछ और ही पिक्चर्स होती हैं जी. तो ये अगर कमेटी है और वो अच्छे से काम कर रही है, तो डेफिनेटली हमारी जो कामकाजी महिलाएं हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के बाद और बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स के बाद वो घर से बाहर निकलती हैं, और यदि उनके साथ कोई हादसा हो जाता है इस दौरान, तो कई महिलाएं मैंने देखा है जिन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है जी. क्योंकि पहले ही परिवार के साथ बैलेंस करना जॉब का मुश्किल होता है, तो उनको एक रीज़न मिल जाता है कि वो जॉब छोड़ें जी. तो ये बहुत अच्छी पहल थी, परंतु ये कितनी ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो रही है वो देखने वो देखने का विषय है जी. सरकार ज़रूर चेक रखे उसमें, हर ऑफिस में जो कमेटी बनाई गई है वो सही रूप से कार्य कर रही है या नहीं. तो समाज सेविका तो हमारे साथ है ही, और ज़रूर इस बात पर गौर भी किया जाएगा. तो विजय जी, आपसे एक और सवाल रहेगा कि बहुत सी बातें होंगी कि महिलाओं को सशक्त करना है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, तो कैसे सुधार लाया जा सकता है, लोगों की सोच में कितना बदलाव आया है, क्या कहना चाहेंगी आप, और शिक्षण संस्थान या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं? मुझे जहाँ तक लगता है, हमें ये स्कूल लेवल से अपने बच्चों को एजुकेट करना है जी. बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत ज़रूरत है जी. हम किताबों में पढ़ के रट लेते हैं, जैसा कि मैं भी देखती हूँ, मेरे साथ भी था. हम किताबें पढ़ पढ़ के उन चीज़ों को रट्टा मार के एग्ज़ाम दे देते हैं, लेकिन जब असलियत पे वो, मतलब जब असल में वो बात हमारे सामने आती है, तो हम अपने आप ही शक पका जाते हैं कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें. तो जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, व्यवहारिक शिक्षा, मैं उसको व्यवहारिक शिक्षा कहूँगी, व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत ज़रूरत है जी. कोई भी जैसे राइट है, मान लो हमारा जेंडर इक्वलिटी वाली ही बात है, तो उसको हमें व्यवहारिकता देनी है, व्यवहारिक रूप में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है जी. जब हम बच्चों को ये शिक्षा देंगे तो उनको हर एक चीज़ मतलब अच्छे से करनी आएगी, और वो जब ऐसी परिस्थिति में कहीं भगवान ना करे वो फंस जाते हैं, तो उनको कहीं पे भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है जी. हेल्थ की हमने बात की डॉक्टर अंजलि, और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिज़िकली तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए एक महिला, क्योंकि पूरे परिवार को संभालती है और एक्सपेक्टेशंस जो हैं पूरे परिवार की बढ़ जाती है महिला से, वो घर भी संभाले बाहर भी संभाले. तो जो मेंटल हेल्थ है उसके प्रति कितनी जागरूक है महिलाएँ? मेंटल हेल्थ अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा विषय है जिसमें समाज में जागरूकता तो है, परंतु एक स्टिग्मा अटैच्ड है मेंटल हेल्थ से जी. और क्योंकि ये स्टिग्मेटाइज्ड है, तो इसलिए इसका ज़्यादा बुरा असर महिलाओं पे पड़ता है, क्योंकि जो आपकी वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जो थोड़ी कमज़ोर कड़ी होती है, उस पर इसका कई गुना असर पड़ता है. तो अगर हम बायोलॉजिकली बात करें, तो बायोलॉजिकली महिलाओं का जो शरीर होता है वो मेल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा
ज़्यादा प्रकृति ने स्ट्रॉन्गर बनाया है जी, क्योंकि उसको प्रजनन करना है, उसे अपनी आगे स्पीशी बढ़ानी है। बिल्कुल। परंतु जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो महिलाएं ज़्यादा वल्नरेबल रहती हैं, क्योंकि जीवन में बिकॉज उन्होंने प्रजनन शक्ति अपनी ग्रहण करनी है तो इसके लिए बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में, और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीजंस हैं कि किस वजह से डोपामिन सिक्रीशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें जिस वजह से वो मेंटल हेल्थ में वल्नरेबल रहती हैं जी। और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देता है समाज का एटीट्यूड उसके प्रति जी। तो इसलिए महिलाओं में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूकता लाएं कि यदि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे उदासीनता हो या उन्हें जो लगता है कि इस तरह से इतनी ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कि वे अपना दिनचर्या जो है उसे ठीक से नहीं कर पा रही हैं, खुश नहीं रहती हैं, तो उन्हें डेफिनेटली अपना जो यू नो एक स्टेप लेना चाहिए और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डेफिनेटली हेल्प लेनी चाहिए। और एक और बात मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारी एक 104 करके मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है जी। तो अगर आप कहीं जाना भी नहीं चाहते, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो आप 104 पर कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जो काउंसलर्स हैं उनके साथ आप काउंसलिंग सेशन। और टाइमिंग्स इसकी 24/7 ठीक है। हाँ, आप रात को 1 बजे भी कॉल कर सकते हैं, कोई ना कोई ज़रूर आपकी कॉल पिक करेगा और ज़रूर आपके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेगा जी। एक और बात, जैसे कि मेंटल हेल्थ की बात की तो रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हो रही है महिलाओं के ऊपर कि वो कितनी स्ट्रांग है मेंटली भी, और कई रिसर्च होने के बाद अगर हम देखें तो डिप्रेशन की तरफ भी कई महिलाएं जा रही है। और आप जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम से पहले एक रिसर्च की, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आफ्टर डिलीवरी जो लेडीज़ जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं, क्या रीज़न है, समाज की क्या सोच है उसके प्रति? मैम, ये जो हमारा जैसे फीमेल चाइल्ड को बर्थ अगर कोई दे रही है लेडी, संक्षेप में बताइएगा। हाँ, अगर कोई लेडी फीमेल चाइल्ड को अगर बर्थ दे रही है तो उसके ऊपर वो सोशल प्रेशर्स पड़ने शुरू हो जाते हैं जी, कि अब तो लड़की होगी जी। तो उसमें जो लेडी है वो एक तो वैसे ही मेंटली वीक होती है जी, तो उसका जो डिप्रेशन में जाना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसके लिए बहुत परेशानियां इकट्ठी हो जाती हैं जब वो मतलब एक फीमेल, क्योंकि हमारे समाज में थोड़ा सा मेल और फीमेल का वो तो रहता ही है कि आपको मेल चाइल्ड के प्रति अट्रैक्शन रहती है जी। अगर आपने फीमेल चाइल्ड को बर्थ दे दिया है तो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड जो है वो, लेकिन अब सोच में बदलाव आया है, आ रहा है जी। तो विजय जी और डॉक्टर अंजलि, आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आए और अपने विचार हमारे तमाम दर्शकों के समक्ष रखे, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त इस कार्यक्रम से। नमस्कार।